हाई हाँ गायद अब सर का फिर से एक बार आज जुने गए पेटने एस पे स्वागत है और आज का कौड़े उन लोगों के लिए जो आर्मी की या पुलिस भर्ती की तैयारी करते हैं और वो तीन या चार ही चिनप मार पाते एक टाइम में या पुल्ब्स का आर्मी में पुलब्स करते हैं वो पुलब्स तीन या चार ही मार पाते उससे ज्यादा वो मार नहीं पाते उनके लिए और मैं कुछ एक्सरसाइज शेयर करूंगा जो एक्सरसाइज आप हंड्रेड परसेंट अच्छी तरह से फॉलो करोगे तो आप बीस या पच्चीस दिनों में दस से बारह चिनप आसानी से मार पाओगे और ये वीडियो एंड तक देखना एंड में कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जो आर्मी या पुलिस भर्ती करते हैं उनके लिए हेल्पफुल होंगे वो टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा इसलिए वीडियो एंड तक देखना चल तो शुरू करते हैं एक्चुअल वीडियो एंड फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करनी है ऑस्ट्रोलियन चिनअप उसके लिए लगेंगे डबल बार कहीं भी पार्क में या कहीं भी आपको डबल बार मिल जाएगा वो आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो अगर नहीं है तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप नीचे से ऐसे लटक सको और ऐसे मार सको वो वैसे चीज़ को आप यूज़ में लेके कर सकते हो यहाँ ये डबल बार थोड़ा हाइट ज़्यादा है इसलिए मैं यहाँ पे चेयर का यूज़ ले रहा हूँ ऐसे चेयर अगर आपका भी डबल बार जो है वो थोड़ा हाइट ज़्यादा है तो आप ऐसे चेयर ले सकते हो चेयर ले उसमें पैर रखना है ऐसे और ऐसे नीचे जाना है पूरा और ऐसे चेस्ट जो है बार को टच होनी चाहिए पूरी इससे आपके बाइसेप और बैक में स्ट्रेंथ आएगी ऐसे मारना है आपको आराम से चेस्ट जो है बाहर को टच होगी ऊपर और ट्राई करना है कि आस्ट्र चीन साफ कम से कम 20 एक टाइम में मार सको बिना रेस्ट लिए 20 आपको मारना है ऐसे ट्राई करना है जिस दिन आप 20 मार पाओ तो नेक्स्ट स्टेप को आपको मूव होना है नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आपको जाना है मैं तो यही एक्सरसाइज ट्राई करते रहे नेक्स्ट स्टेप के लिए आना है ऊपर मतलब जाके सिंगल बार के ऊपर जाके आपको जस्ट चिनअप की जो पोजिशन है होल्ड करना है जैसे मैं दिखा रहा हूँ अभी ऐसे ऊपर जाना है चेयर की मदद से या किसी से ऊपर जाना है नहीं तो ऐसे आराम से जंप करना है और ऐसे रुक जाना है आप चीन जो है ऊपर रहेगी ऐसे होल्ड करना जितना मैक्सिमम आप होल्ड कर सकते हो उतना करना है और लेग जो है आपके स्ट्रेट रहेगे ऐसे जाना नहीं तो चेयर तो है ही चेयर से आसम से ऐसे अगर आप ऐसे नहीं जा पा रहे हैं, तो चेयर पे खड़े रहना या कोई भी टायर हो या कोई पत्थर हो उस पर जगह या फ्रेंड की मदद से ऐसे ऊपर जाना है और ऐसे ऐसे होल्ड करना है पैर स्ट्रेट रहने चाहिए ऐसे होल्ड करना मैक्सिमम जितना आप होल्ड कर सकते हो उतना करना है अगर आप एंड ट्राई करने के आप थर्टी सेकंड तक आपको होल्ड करते रहना है अगर आप 30 सेकंड नहीं कर पा रहे तो यही एक्सरसाइज ट्राई करते रहना है और लगातार ट्राई करते रहना है। जब तक आप 30 सेकंड ऊपर होल्ड नहीं कर पाते हो तब तक अगर आप 30 सेकंड आराम से होल्ड होल्ड कर पा रहे हो ऊपर तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ आना है जो भी आगे मैं बताऊंगा आपको एंड थर्ड एक्सरसाइज आपको करना है निगेटिव चिनअप्स उसके लिए ऐसे चेयर पे खड़े रहना है चेयर जो है सिंगल बार के थोड़े क्लोज ही लेना है ऐसे खड़े रहना ऊपर जाना है और ऊपर से स्लोली स्लोली नीचे आना है जितना आप, आप स्लोली आ सकते हो उतना आने की कोशिश करना है स्लोली 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 ऐसे नीचे आना है पूरा नीचे आना है पूरा ऐसे ऐसे स्लोली स्लोली नीचे आना है और एक बार दिखाता हूँ कैसे एकदम स्लो जितना आप स्लोली नीचे आ सकते उतना आने की कोशिश करना है ऐसे इसको कहते हैं निगेटिव चिनअप्स ऐसे रहना है पैर स्ट्रेट रहेगे और ऐसे धीरे 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 नीचे आना इससे क्या होगा आपकी बाइसेप और बैक जो है उसमें स्ट्रेंथ आएगी चिनअप आसानी से करने के लिए आपको स्ट्रेंथ आएगी ये स्ट्रेंथ और ऐसे डेवलप होगी एंड तो, दस निगेटिव चिनस आप आसानी से कर पा रहे हो तो आपको फिर डायरेक्टली चिनअप ट्राई करना है आप मैक्सिमम कितने मार पाते हो उसके लिए जैसे मैं अभी मार के दिखाता हूँ आपको जैसे चिनप मारते वैसे मारना स्लोली लेग्स आपके स्ट्रेट रहे ऐसे और ऐसे चिनप्स आपको मारते रहना जब तक आप मैक्सिमम दस से बारह आपको नहीं मार पाते और और एक बात याद रखना अगर आप आर्मी या पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो जब आप घर पे तैयारी करते हो उसमें आपको कम से कम पंद्रह चिनप्स आपको आने चाहिए जब जाके एक्चुअल एग्जाम फिजिकल एग्जाम के टाइम आप दस आराम से मार पाओ इसलिए जब भी आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो या कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हो एग्जाम के पहले तो उस टाइम आपको पंद्रह चिनअप्स रिपीटेशन आना चाहिए ये याद रखना है ये माइंड में रखना है कभी भी नहीं तो आप बोलेंगे मैं दस मार रहा हूँ वहाँ जाके मैं दस मार वहाँ से क्या होता है थो थोड़ा क्राउड थो। वगैरह देख के थोड़ा घबरा जाता है आदमी और दस नहीं मार पाता इसलिए घर पे जब आप हो तो अच्छी तरह से ये करना है कि पंद्रह आपको मारने ही मारने हैं एंड और एक टिप जब भी आप चिनअप्स लगाते हो वो चिनअप्स आपको रनिंग और जो भी आप एक्सरसाइज करते हो ग्राउंड पे वो होने के बाद चिनअप्स करना है क्योंकि एक्चुअल एग्जाम के टाइम में क्या होता है रनिंग और होने के बाद चिनअप्स का फिजिकल एग्जाम होता है या टेस्ट होता है जो भी को इसलिए आपको ग्राउंड में जो भी आप प्रैक्टिस करते हो वो प्रैक्टिस होने के बाद चिनअप्स ट्राई करना है यानी चिनअप्स आपको मारते ही रहना है जब तक आप पंद्रह रिपिटेशन आसानी से नहीं करते हो एक दिन जरूर होगा थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप ट्राई करते रहना है डे बाय डे हारने मानना है और ट्राई करते रहना है Guys, यही था आई होप दिस हेल्प्स यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड टेक केयर